आज हम बनाएंगे सदियों से खाया जाने वाला मिर्ची का अचार जो बहुत ही टेस्टी होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज लता, वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे मिर्ची का अचार। मिर्ची का अचार बनाने के लिए हमने एक ग्रीन चिली है, ये 1 kg है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। इसको क्लॉथ से वाइप करना है अच्छे से, जिससे वाटर ना रहे। अगर वाटर रहेगा तो फंगस लग जाएगा, लॉन्ग टाइम तक चिली का पिकल नहीं चलेगा। सो अच्छे से वाइप करना है, वॉश करके, वाइप करके, ड्राई करके फिर इसको काटेंगे। तो काटने के लिए डंठल निकालना है, क्योंकि डंठल में फंगस लग जाता है, फिर लॉन्ग टाइम तक आपका पिकल नहीं चलेगा। तो पहले ये ग्रीन ग्रीन जो डंठल है ये निकाल देते हैं और इसको बीच से कट लगाएंगे, बीच से कट लगाएंगे, जिससे मसाला अच्छे से भरे और टेस्टी आपकी चिली लगे। तो इसमें बीच से कट लगा लेते हैं, अच्छे से लगाना है, नाइफ की हेल्प से लगा लेते हैं। और इसी तरीके से हम पूरी चिली काट लेंगे, सारे पूरी चिली के डंठल निकालना है ग्रीन ग्रीन, और इसी तरीके से हम काटेंगे। ये देखो, बीच से काटना है, इसमें अच्छे से मसाला भर जाएगा तो आपकी चिली भी टेस्टी लगेगी। पहले भी इसी तरीके से अचार डाले जाते थे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हम पूरी चिली इसी तरीके से काट लेते हैं, और आप अपने पसंद के अनुसार भी काट सकते हैं। आप 1 से 2 पीस भी कर सकते हैं, 3 पीस भी कर सकते हैं, और अलग अलग भी कर सकते हैं, बट आज हम इस तरीके से बनाएंगे। वैसे तो चिली के पिकल कई तरीके से बनता है, तो हम इनको काट लेते हैं। पूरा चिली बीच से कट लगा लगा के काट लिया है हमने चिली को। इसमें सॉल्ट डाल दिया है हमने, और इसमें हमने 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, 1.5 टी स्पून हल्दी डाली है। इसको फुल नाइट के लिए सोक करके रखेंगे, और हम इसको एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखेंगे, स्टील के में नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टील का ख़राब हो जाता है। तो हमने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है, उसमें हमने फुल नाइट के लिए रखा था। इसके बाद हम उसका वाटर सेपरेट करेंगे। ये देखो, कलर भी चेंज हो गया, वाटर इसका सेपरेट कर लेते हैं। तो पूरा चिली का वाटर निकाल देंगे, जो हल्दी और नमक का वाटर था वो निकाल देंगे, और पूरा चिली निकाल लेंगे, और थोड़ा सा फैन के नीचे ड्राई करेंगे पूरा निकालने के बाद, जिससे थोड़ा सा भी हो तो वो भी ड्राई हो जाए। और फिर हम कुछ मसाले लिए, मसाले में हमने 100 ग्राम मस्टर्ड सीड लिया है, सरसों के दाने लिए हैं, और 50 ग्राम सॉल्ट लिया है वाइट, और 2 टी स्पून मेथी दाना लिया है, 2 टी स्पून अजवाइन लिया है, 2 टी स पून हल्दी लिया है, और 1 टी स्पून हींग लिया है, 2 टी स पून रेड चिली पाउडर लिया है, एंड 2 टेबल स्पून सौंफ लिया है, और 50 ml मस्टर्ड सीड ऑयल लिया है। और आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट मस्टर्ड का ज़्यादा अच्छा होता है। इधर मस्टर्ड को हम सरसों के दाने को रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करेंगे और निकाल लेते हैं। और अगर ज़्यादा जल जाएगा, अगर ज़्यादा रोस्ट करेंगे, या मेथी दाने को भी रोस्ट कर लेते हैं, और कर लिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, कड़वी लगेगी, सरसों को भी कर लेते हैं, अजवाइन भी डाल लेते हैं हाफ हाफ करके, थोड़ा थोड़ा करके। और आप ऑयल को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे, आप गर्म नहीं करेंगे तो कड़वा लगेगा और फिर अच्छा टेस्टी नहीं लगेगा पिकल। इधर हमने सरसों के दाने भी बारीक एकदम सिलवट्टे के जो होता है ना, उससे कर लिए हैं, उसका वो ब्लैक ब्लैक निकाल दिया है। अभी सारे मसाले मिला लेते हैं। तो ये हमने ये मेथी दाना लिया था, और सौंफ लिया था, और अजवाइन इसको पीस लिया था। अब इसमें हींग डाल दी है, जो हींग ली थी, और ये टर्मरिक पाउडर डाल देते हैं, यानी हल्दी पाउडर डाल दिया है, और रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। रेड चिली पाउडर डालेंगे, फिर थोड़ा सा ये सॉल्ट लिया था, ये 50 ग्राम सॉल्ट है, इतना सॉल्ट लगेगा जिससे आपका चिली लॉन्ग टाइम चलेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो ऑयल लिया था उसको ठंडा करके डालेंगे, और नहीं कड़वा लगेगा, गर्म नहीं करते इसलिए ठंडा करके डालेंगे गर्म करने के बाद, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम चिली में भर लेंगे, इसको अच्छे से भरना है हमें पूरा चिली, जिससे टेस्टी लगे और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अगर आप अच्छे से भरेंगे इसमें जो मसाला है, फंगस नहीं लगेगा। इसी तरीके से हम पूरा भरेंगे चिली, और मसाला इसी तरीके से बनना है। सो भर लेते हैं चिली का मसाला, पूरा चिली भर लिया है हमने मसाले में, अच्छे से भर गया है, और इसी तरीके से बनना है। और अब इसको एक ड्राई कंटेनर लेंगे हम, एक कांच का जार लेंगे, उसमें भरेंगे, पूरा भर लेते हैं, अच्छे से भरना है, और वाटर नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, फुल कर लिया है। हवा हमने 300 ml मस्टर्ड ऑयल लिया है, यानी सरसों का ऑयल लिया, इसको गर्म कर लिया था, ठंडा करके डालेंगे, जिससे आपका पिकल ख़राब नहीं होगा। और ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, अगर आपको लग रहा है डालने के बाद कम है, तो फिर थोड़ा सा गर्म करके ठंडा करके डालेंगे, जिससे आपका अचार सालों चलेगा। और पहले भी ऐसे इसी तरीके से अचार बनाते थे लोग, सदियों से इस तरीके से अचार बनाते आ रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। ये बन गया है पिकल, चिली पिकल, टेस्टी एंड हेल्दी। ये चिली पिकल रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट्स। थैंक यू वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।